हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि होंगे बहुत ही बढ़िया, और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आ गया है मेरी फ्रेंड के एंगेजमेंट का सेकंड पार्ट, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो आ गया है। तो प्लीज़ आप लोग इंजॉय कीजिए। और अभी शुरू हो गया है केक कटिंग का टाइम, और सभी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं जो कि उसकी ससुराल वालों के साइड से थी। और मेरी कुछ फ्रेंड वगैरह सब लोग पिक्चर्स ले रही थी केक के और रिंग के। तो इस टाइम पे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। लक्ष्मी थोड़ा सा घबरा रही थी, मुझे भी बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस टाइम पे, लग रहा था। और अभी हो गई है रिंग पहनाने की बारी, तो सबसे पहले बना रही है लक्ष्मी रिंग। तो आप लोग जो पीछे देख रहे हैं, ये जो गोल्डन कलर की साड़ी में जो है वो है लक्ष्मी की जेठानी। और अब टाइम आ गया है एक दूसरे को माला पहनाने का, और ये पहना रहे हैं एक दूसरे को माला। और यहाँ पे इनके जेठानी जी बोल रही थी कि थोड़ी देर के लिए माला पकड़ो जिससे फ़ोटो शूट हो जाए। और अब आ गया है डांसिंग का टाइम। तो लक्ष्मी और जीजू और उसकी कुछ भाभी और उसकी लगती है एक भतीजी जो MBBS कर रही है, जो आपको ब्राउन कुर्ते में दिख रही होगी, MBBS कर रही है ये, इसकी हो गई एंगेजमेंट। लक्ष्मी ने सिर्फ थोड़ा सा ही डांस किया और उसके बाद में हट गई थी वो, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा डांस नहीं आता है। वो बोल रही थी मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इन लोगों ने उठा लिया था उसको, तो उसने बस थोड़ा सा ही डांस किया, उसके बाद वो हट गई थी स्टेज से। और अभी कर रही हैं लक्ष्मी की ससुर की साइड से उसकी ननद और ये जेठानी। और ये है मेरी थाली जिसमें है जीरा राइस, पापड़, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, सैलेड, रोटी और है साथ में आइसक्रीम। और ये है इनकी थाली जो ये स्टार्ट हो गए हैं खाने, और ये बैठी हैं साथ में मेरी सारी दोस्त, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं।
और अब आ गई है लक्ष्मी और जीजू दोनों साथ में खाना खाने के लिए। हम लोगों ने बुला लिया था कि यहाँ पे बैठ के आराम से बैठ के खाना खा लो आप लोग, तो वो दोनों खाना खा रहे हैं। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग जैसे कि कमेंट करते हो तो कुछ अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे कमेंट करते हो जैसे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एक कमेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, राजा खान जी ने किया है, सॉरी वसु खान जी ने किया है कि आपकी जेठानी बहुत ही चालाक हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी बड़ी बाजी हैं, वो मेरी जेठानी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उनकी जितनी तारीफ करो वो बहुत ज़्यादा कम है और वो मुझे हर बात में सपोर्ट करती हैं। तो ऐसा आप लोग क्यों सोचते हैं कि वो मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत कर रही हैं, वो मेरे साथ में हर चीज़ में बहुत अच्छा करती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं। और बुलबुल तुम ये करो तो अच्छा रहेगा, बुलबुल अपनी वीडियो में ये डालो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हमेशा ये थोड़ी ना होता है कि एक जेठानी और देवरानी के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े ही हों, कभी एक फ्रेंडली की तरह भी तो रह सकती है ना वो लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझे हर बात में सपोर्ट करती हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनके बारे में कुछ ऐसी गलत बातें ना बोलें, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उनके बारे में अगर कोई उनसे कुछ ऐसा गलत बातें बोलता है तो। और हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, आप लोग टेंशन ना लें, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ यहाँ पे। और मेरी पूरी जो मेरे ससुराल की साइड से जो मेरी पूरी फैमिली है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर बात में सपोर्ट करती है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके के कोई कमेंट ना करें, क्योंकि आप लोग तो कमेंट कर देते हो उसके बाद में आप लोगों को पता है कि कौन कौन कमेंट पढ़ रहा है इस बात को। मेरी फैमिली कमेंट पढ़ती है, मेरी और बाजी की फैमिली कमेंट पढ़ती है, तो अच्छा नहीं लगता उनके बारे में कुछ इस तरीके की बातें बोलें आप। तो आगे से आप लोग ख्याल रखिएगा कि इस तरीके के कोई कमेंट ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम लोग दोनों सिस्टर की तरह रह रहे हैं और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, हर बात में सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कभी कोई कमेंट मुझे देखने को ना मिलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।